राजनेताओं की राजनीतिक कलाकारी से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन रंगमंच पर कलाकारी करते हुए अगर कोई राजनेता दिखाई दे तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। पिछले 47 सालों से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि रंगमंच पर भी कलाकारी कर लोगों की वाहवाही बटोर रहे और रामलीला के मंच पर दशरथ कैकेयी संवाद करते ये कोई और नहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी के मौजूदा विधायक बंशीधर भगत हैं। कालाढूंगी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पिछले 47 सालों से हल्द्वानी के ऊंचापुल क्षेत्र में होने वाली ग्रामीण रामलीला में राजा दशरथ का दमदार अभिनय करते आ रहे हैं। हर साल शारदीय नवरात्र में विधायक बंशीधर भगत राजनीति छोड़ रामलीला के मंचन पर नजर आते हैं। बंशीधर भगत के मुताबिक उन्होंने अब तक अंगद, परशुराम, दशरथ समेत कई पात्रों का अभिनय किया है। वहीं बंशीधर भगत अब सिर्फ राजा दशरथ के पात्र का ही अभिनय करते हैं। वहीं क्षेत्र की जनता भी उनको इस रूप में देखना बहुत पसंद करती है। बंशीधर भगत ने यह भी कहा कि राजनीति मुश्किल है और रंगमंच सरल। राजनीति में टेढ़े मेढ़े इरादे सब चलते हैं, लेकिन दशरथ की भूमिका में आकर उन्होंने माना कि जैसा चरित्र वो निभा रहे हैं वैसा ही स्वभाव असल जिंदगी में भी रखना चाहिए। बंशीधर भगत ने कहा कि रामलीला में भागीदारी करना उनका निजी स्वार्थ भी है, क्योंकि इससे उनकी चर्चा जनता के बीच बनी रहती है। राहें बड़ी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं। पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। 47 साल ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ का पाठ खेलते हो गए हैं। उससे पहले कुसुमखेड़े में परशुराम और अंगद का खेला, यहाँ फिर मैंने परशुराम, अंगद, दशरथ तीन पाठ खेले। फिर समय अभाव के कारण अंगद छोड़ा, फिर परशुराम छोड़ा और दशरथ लगातार अभी चल रहा है। देखो कहाँ तक चलता है, कितना चलता है अभी देखना पड़ेगा।